हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां क्या बोला जा रहा है। यहां दो ट्रायंगल गिवन है आपको, ठीक है। आप फिगर देख सकते हैं 6.34 जो है उसके पार्ट 3। तो दो ट्रायंगल हैं और दोनों को हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर सिमिलर है तो कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके हम बता सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर देखिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, इन गिवन ट्रायंगल्स, देखिए एमपी, अगर हम एमपी डिवाइडेड बाय ईडी करते हैं, MP डिवाइडेड बाय ED, तो ये साइड की रेशियो आपकी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 4 और 1/2 हो गई। सिमिलरली PL डिवाइडेड बाय DF, ठीक है, PL डिवाइडेड बाय DF 3/6, ठीक है, और ये भी हमारा हो गया 1/2। अब थर्ड साइड का रेशियो देखते हैं। थर्ड साइड हमारा है LM डिवाइडेड बाय FE, तो ये आपके हो जाएंगे LM आपके हैं 2.7 डिवाइडेड बाय FE जो है 5 और ये 27 डिवाइडेड बाय 50। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। देखिए दो रेशियो तो सेम है, एज MP by ED equal to PL by DF is not equal to LM divided by FE. So, given triangles are not similar. Given triangles are not similar. Okay friends, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।